ठीक है। तो अभी तक अपने बॉन्ड ऑर्डर टू वाली देखा, बॉन्ड ऑर्डर के टू है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी स्ट्रक्चर बुढ़े ज्योमेट्री लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा एग्जांपल, ये सारे आ जाएंगे। अब मुझे ऐसा चाहिए एक एक हिसाब से बढ़ाते जाओ, बॉन्ड एंगल कितना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना चाहिए बेटा, थ्री नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे थ्री चाहिए। खुद सोचो दीदी बात करें, तीन बॉन्ड ऑर्डर किसके पास होंगे एटलीस्ट, जिसके पास का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, जिसके पास बुढ़े बात करें क्या होगा, कम से कम तीन इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल में, बैलेंसी सेल में, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बुरे बात करें कोई एक ऐसा आइटम पकड़ो जिसकी आउटर मोस्ट में थ्री इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो जाकर वो तीन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जितने बॉन्ड बनाएगा उसको हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा आइटम है दीदी बात में जिसके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन, कौन है ये, बोरोन है। बस समझ गया आप, बोरोन है तो बोरोन रख लो। अब बुरे बोरोन तो बॉन्ड बनाएगा लेकिन सामने वाला आइटम भी तो चाहिए, लेकिन सामने वाला आइटम कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड। देखो जैसे जो भी यहाँ पर एक्स आएगा वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाने वाला कौन कौन है, हाइड्रोजन हैलोजन साइनाइड OH मेथल एथल कुछ भी उठा लो, आपने क्या उठाया, हाइड्रोजन उठाया। ठीक है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि एक उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक और मिल जाएगा तो उसका डुप्लेट टू पूरा हो जाएगा, फर्स्ट टू। ठीक है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आके हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाएगा और ये क्या बन गया बताओ बेटा, बात करें BH3 बना कि नहीं बना, अरे बना कि नहीं बना। तो टोटल गुड़िया बात करें मेरे पास कितने बॉन्ड है बताओ, तीन बॉन्ड ऑर्डर आ गए, नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे चाहिए, लेकिन कौन से बॉन्ड चाहिए बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड में, ये सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड चाहिए बेटा बात करें, ओनली सिग्मा, मुझे मतलब है बुढ़े बात करें किससे, सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है। तो जिसके पास बुढ़े बात करें क्या हो, सिग्मा बॉन्ड है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले उस एटम को सिलेक्ट करो जिसके आउटरमोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन हो, वो कौन था बेटा बात करें, बोरोन। बोरोन के आउटरमोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन थे, फिर उसने तीन बॉन्ड बनाए, तो सामने सामने सिंगल बॉन्ड बना, तो सामने कोई ऐसा पकड़ो जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, हाइड्रोजन BH3 बन चुका, क्लोरीन उठा लो BCl3 बन चुका, साइनाइड उठा लो BCN का होल थ्राइस बन चुका, OH उठा लो तीनों जगह BOH का होल थ्राइस बन चुका, जिसको अपन बोलते थे H3PO3, ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या बोलते थे, ऑर्थोबोरिक। तो ये एग्जांपल बनते जाएंगे। अच्छा अब बताओ बेटा बात करें मुझे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल, पहले ये काउंट करो, फिर उन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने ऑर्बिटल यूज करोगे, इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 4, 6, तो बुढ़े बात कर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने ऑर्बिटल यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं कहाँ से बेटा, एस से, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर बुढ़े बात करें कहाँ, पी में, पी एक्स में, फिर पी वाई में, कहीं भरो, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए कि नहीं भर गए, मतलब एक एस का 2 पी के, अगर पी पूरा भर जाए फिर अपन डीपा उतरते हैं, लेकिन भर ही नहीं पाया अभी तक, तो एक एस का यूज किया, या फिर सीधे यहीं काउंट किया करो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते कि नहीं भरते, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये रियल में एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग से ऑर्बिटल चाहिए, तो ये एस है तो ये पी वन है और ये क्या आ गया, पी टू, मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है बेटा बात करें, एस पी टू के बाद स्ट्रक्चर्स का कैसा आ रहा है गुरु, आपको पता है बेटा टोटल स्पेस 3D का स्पेस कितना होता है, 360 डिग्री, सर्कल का स्पेस मान लो अपन तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 को तीन जगह बांटना है, तीन बॉन्ड है बुरे बात कर, तो कोशिश करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, अगर बॉन्ड बॉन्ड से सबसे ज्यादा दूरी पर रहेगा तो उनके बीच में रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर बॉन्ड बॉन्ड पास आए तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ बॉन्ड पर रिपल्सन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम ये चाहते हैं कि बॉन्ड जितने दूर रहेंगे उन बॉन्ड के बेटा इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना कम रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो टोटल कितना है बेटा, 360 को तीन में डिवाइड करो क्योंकि तीन जगह बांटना है, कितना आ रहा बेटा बताओ, 120 आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल तो आ गया 120 बुरे बात कर आते ही मुझे समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक मॉलिक्यूल इधर है, ठीक है, यहाँ पे कौन था, सेंट्रल एटम बी था, ए इधर लिया, अब इन्हीं को जोड़ो तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, लगभग ट्राई बुढ़े बात करें गोनल, तीन एंगल आ रहे हैं ना, ट्राई गोनल, वो भी एक ही प्लेन में, तो प्लेनर, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई गोनल, जल्दी बोलो बेटा बात करें, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बने, त्रिकोणीय समतलीय, और इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो बना लो आराम से, बी बनाया बुरे बात करें, ए बनाया, यहां बॉन्ड बॉन्ड के बीच में एंगल कितना रहा बेटा बताओ, 120 बॉन्ड बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 120 बॉन्ड बॉन्ड के बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही, 120, और यहां पे कितनी थी बेटा बताओ, 180, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, एग्जांपल क्या आ गया बताओ, सबसे पहले बोरोन BH3 BCl3
लिया कि नहीं लिया अपन ने, कोई भी उठा लो। अच्छा बोरोन लिया तो क्या और एग्जांपल नहीं बन सकते? आराम से बोरोन की जगह गुड़े बात करें, बोरोन आपने लिया, हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन जोड़ दो, नया मॉलिक्यूल बनाया, क्लोरीन हटा के फ्लोरीन जोड़ दो, नया मॉलिक्यूल आया, फ्लोरीन हटा के साइनाइड जोड़ दो, बोरोन को वहीं रहने दो, नए नए एग्जाम्पल बनते जाएंगे। हाइड्रोजन बी एच थ्री, क्लोरीन बी सी एल थ्री, फ्लोरीन बी एफ थ्री, आयोडीन बी आई थ्री, ओ एच बी ओ एच का होल थ्राइस, सी एन बी सी एन थ्री, मैथिल बी सी एच थ्री का होल थ्राइस। अब अपन नया एग्जाम्पल और बनाते हैं। अब क्या करते हैं अपन, बोरोन हटा के एल्यूमिनियम, ए एच थ्री, ए सी एल थ्री, ए आई थ्री, ए सी एन का होल थ्राइस। कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं अपन? बहुत सारे बना सकते हैं। मतलब अगर मैंने बोरोन लिखा है तो आप बोरोन के नीचे का पूरा ग्रुप उठा सकते, उठा सकते कि नहीं उठा सकते? आराम से। अगर मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, आपका मन करे आप हैलोजन लगाओ, आपका मन करे आप साइनाइड लगाओ, आपका मन करे आप ओएच लगाओ, आपका मन करे आप मेथल एथल लगाओ, क्योंकि कार्बन के भाई साहब तीन बॉन्ड हो गए ना, ये पूरे कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक खाली है तो अब जोड़ दो मेथल एथल को कुछ भी, ठीक है? ये कंडीशन आ गया। तो ऐसे गुड़े बात कराते जाएंगे। फिर आपने सोचा कि कोई सर ये तो नॉर्मल हो गया, कोई निगेटिव पॉजिटिव वाला बताओ। मैंने कहा बोरोन के आउटम उसमें तीन है, मुझे सीधी बात है तीन, कोई एक ऐसा बेटा बात करें sp2, कोई एक ऐसा एटम चाहिए जो केवल तीन बॉन्ड बनाए। तीन बॉन्ड कोई तभी बना सकता है जब गुड़िया उसके आउटम उसमें कितने बेटा बात करें बताओ गुड़िया? तीन ही इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर चार वाला उठा ले तो, जैसे कार्बन उठा लिया आपने, आप सोचो सर मैं कार्बन उठा सकता हूँ क्या? नहीं, कार्बन के आउटम उसमें तो चार होते हैं, मैं क्या करता हूँ उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। हाँ ऐसा कर सकते हो तो आराम से हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो कार्बन की तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब बुरे बात के रियल में कार्बन भी किसकी तरह काम करेगा? एज अ बोरोन, क्योंकि जैसे बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? थ्री होते हैं। लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? चार। उसमें से एक निकाल दो, एक निकाल दो प्लस लग गया, मतलब कार्बन बोरोन ही तो बन चुका, समझ पा रहा हूँ? अब आपको लगता है कि नया एग्जांपल बनाओ, बना दो सी प्लस एच थ्री, सी प्लस सी एल थ्री, क्लोरीन तीन उठा लो, सी प्लस ओ एच का होल थ्राइस। नए नए एग्जाम्पल बनाते जाओ, फिर कार्बन से थक जाओ, इसके नीचे का सिलिकॉन उठा लो, बस प्लस लगाते जाना। अगर कार्बन प्लस में है तो नीचे का सिलिकॉन प्लस में है, जर्मेनियम प्लस में है, टिन प्लस में है, इस तरीके से सब चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मैं एक एलिमेंट बता रहा हूँ तो उसके नीचे का पूरा ग्रुप आप उठा सकते हो। बोरोन बोला तो नीचे का पूरा ग्रुप उठाओ, कार्बन बोला तो वैसे उठा लो। अच्छा आपने बोला कि बोरोन के बगल में कुछ इस तरफ भी तो है कोई बेरिलियम, लेकिन मैंने कहा बेरिलियम के आउटर उसमें तो दो ही इलेक्ट्रॉन है। सर तीन कर देना, ठीक है एक अगर इसको कहीं से मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो ये भी तो बोरोन बन चुका कि नहीं बन चुका? बोरोन के आउटर मोस्ट में जैसे तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में चार थे पर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके तो वो तीन ही बचे, मतलब सी प्लस बोरोन की तरह बिहेव करेगा। अब वो कार्बन नहीं बचा, अब वो बोरोन बन चुका। ऐसी बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसको बोरोन अगर बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा, लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस। निकाल रहे तो प्लस और ले रहे तो माइनस। तो जैसे बेटा बात करें बी एच थ्री है वैसे सी प्लस एच थ्री है, वैसे बी ई निगेटिव एच थ्री है। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल क्या बनाया आपने? बी एच थ्री, तो वही तो एग्जाम्पल कौन है? सी प्लस एच थ्री है। और वही एग्जाम्पल तो कौन है जल्दी बताओ बेटा? ऐसे एग्जाम्पल कौन है? बी ई जल्दी बोलो निगेटिव एच थ्री। अब बोल रहा अगर बेरिलियम ये काम कर सकता है तो नीचे का मैग्नीशियम भी कर सकता है, कैल्शियम भी कर सकता है, स्ट्रॉन्शियम भी कर सकता है। अगर ये काम कार्बन कर सकता है प्लस करने के बाद बोरोन बन सकता है तो इसका मतलब सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी, टिन भी इस तरीके से उठा सकते हैं अपन। तो इनको जरूर जरूर याद करना है, करना है नहीं करना है? मैं आपको पूरी कोई चीज रटा नहीं सकता। क्यों नहीं रटा सकता? क्योंकि एग्जाम्पल तो उस सामने हजारों बना सकता है, तो आप कोई भी एक चीज को रट नहीं सकते, ठीक है? ये गुड़िया बात करें कंडीशन आ गई। देखा आपने कौन सा बेटा? जहां पे तीन बॉन्ड ऑर्डर थे, जहां दो बॉन्ड ऑर्डर थे, तो इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है? किया कि नहीं किया? अच्छा तो आप ऐसा सोचो कि सर कोई डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं है क्या? है ना, बिल्कुल है। कौन कह रहा नहीं है? आप ये जरूर याद रखना, यहां पर लिखा था मैंने आपको कि जैसे कौन था बताओ बेटा बात कर, जैसे बोरोन था वैसे उसके बगल में कौन है? कार्बन प्लस है। वैसे उसके बगल में कौन है? बेरिलियम माइनस है। इसका मतलब इन तीनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तीन। कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बोलो? तीन। बस ओह आपने कहा सर ए एलिमेंट तीन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? हाउ? ठीक है तीन, मतलब तीनों कितने सिग्मा है, ठीक है। तीन बॉन्ड कब बनाएगा ए? जब उसके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन हो गया एटलीस्ट, तभी वो तीन बॉन्ड बनाएगा। सर ऐसा कर देते ए अगर छह बॉन्ड बना ले तो? छह बॉन्ड बनाए तो एक सिग्मा है, एक तो पाई है, पाई को तो आप काउंट करते नहीं, तब भी तो आपका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? एस पी वन पी टू तो रहेगा। मैंने कहा तो सही कह रहे आप,
अगर कोई ऐसा बुरे मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें सेंट्रल एटम तीन तीन पूरे बात में डबल बॉन्ड बनाए, क्योंकि उनको काउंट तो कौन सा करना है, हाइब्रिडाइजेशन बेटा सिग्मा करना है, लेकिन मॉलिक्यूल तो हो सकता है ना, हो सकता है आराम से। ये कौन है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके जो गुणे छह बॉन्ड बनाएगा, छह बॉन्ड वही बना सकता है जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, सिक्स इलेक्ट्रॉन हो, और सिक्स इलेक्ट्रॉन बनाने का मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन किसके आउटर मोस्ट में होते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन छह बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि छह बॉन्ड बनाते हैं उसके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो चार छह आठ दस बारह, बात समझ पा रहे, बारह इलेक्ट्रॉन वो रखेगा नहीं, तो उसके नीचे का सल्फर है, ये कौन है, क्योंकि ऑक्सीजन से मुझे ये पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए कि ऑक्सीजन फैमिली का है सामने वाला, ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, ये ऑक्सीजन के आउटर उसमें छह इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑक्सीजन छह बॉन्ड बना नहीं सकता, क्यों, ऑक्टेट का एनलार्जमेंट हो जाएगा, और वो कभी ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं कर सकता, आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है, क्योंकि उसके पास वेकेंट ही नहीं है, तो ये कौन हो सकता है, उसके नीचे का हो सकता है, क्या ये सल्फर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सल्फर के आउटर मोस्ट में छह इलेक्ट्रॉन है, बुरे बात करें, और वो बुरे बात करें क्या कर सकता है बेटा, बात करेगी छह के छह बॉन्ड बना सकता है। अब आप ये देखो कि डबल बॉन्ड बनाने वाला कौन हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो बना ही सकता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, छह, दो चार छह, दो की जरूरत है, दो बॉन्ड बना लिया, इसके आउटर मोस्ट में दो चार और दो छह, दो की जरूरत थी, दो बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, छह, दो की जरूरत थी, दो बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के तो आठ हो गए बेटा, टू फोर सिक्स एट, टू फोर सिक्स एट, टू फोर सिक्स एट, लेकिन सल्फर के कितने हुए, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व हुए कि नहीं हुए, तो बुढ़े बात के सेंट्रल एटम कभी भी ऑक्सीजन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन बैलेंस एटम हो सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सल्फर कितने बना रहा है बेटा, बात का बताओ, यहाँ पे छह छह बॉन्ड बना रहा है। अब छह में से आपको पता है एक क्या है, पाए, एक क्या है सिग्मा, पाई को काउंट नहीं करियो, सिग्मा काउंट करना है, यो कौन है सिग्मा, यो कौन है पाए, पाई काउंट करना नहीं है, यो कौन है सिग्मा है, सिग्मा काउंट कर लो, पाई काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो बताओ बेटा बात कर, अभी भी हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, एस पी वन पी टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब बेटा बात करें, पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल भी बन सकता है, मतलब जैसे आपने क्या बनाया एस ओ थ्री, क्या बन गया मॉलिक्यूल एसओ थ्री, उठा के देखो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा आ रहा है, वही आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा आ रहा है बेटा बात करें, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में कितना एंगल आ रहा है 120 डिग्री। तो अगर गुड़िया बात करें सल्फर ये हो सकता है, तो सल्फर के अगल में कौन है क्लोरीन और बगल में कौन है फास्फोरस, क्या ये नहीं हो सकते, हो सकते हैं, सल्फर के आउटर मोस्ट में सिक्स है, लेकिन क्लोरीन के आउटर मोस्ट में तो ये कितने होते हैं, सेवन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ओ निकाल दें तो सिक्स हो गए ना, हाँ अब सही है, मतलब जैसे सल्फर हो सकता है वैसे क्लोरीन पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर SO3 है तो Cl प्लस O3 भी है, बस समझ पा रहे हो, बुढ़े बात करें वैसे फास्फोरस भी, लेकिन फास्फोरस के तो आउटर मोस्ट में पांच ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और इसको दे दो मतलब माइनस कर दो, समझ पा रहे, अगर बुढ़े बात करें सल्फर आपने उठाया तो अगल बारे से मतलब राइट बारे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अगर आप सल्फर की तरह क्लोरीन को बनाना चाहते इसमें सात है आउटर मोस्ट में, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, ये कैटाइन करो, इसमें पांच है, इसको एक निगेटिव दे दो, तो लेफ्ट वाला नेगेटिव बनाना है और राइट वाला पॉजिटिव बनाना है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, सल्फर ही बन गया। अब यो पी नेगेटिव फास्फोरस ना है, ये क्या है सल्फर है, और गुड़े सी एल प्लस क्लोरीन ना है, ये क्या है, ये गुड़े बात कर हमारे पास सल्फर है, तो जैसे गुड़े बात कर आपने SO3 बनाया वैसा ही तो सी एल पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ है, मतलब सी एल ओ थ्री पॉजिटिव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वैसे ही तो गुड़े बात करें फास्फोरस नेगेटिव है, इसके आउटर मोस्ट में आप कितने हो गए, छह हो गए कि नहीं हो गए बेटा, गुड़े दो इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे आराम से ये भी कैसा बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन चुका है स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे सब कितने सारे एग्जांपल बना सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। सल्फर की जगह सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम उठाओ तो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आयोडीन उठा लो, गुड़े बात करें फास्फोरस की जगह पे आर्सेनिक एंटीमनी कुछ भी उठाओ, समझे ना समझे, वैसे गुड़े कर सकते थे, तो ऐसा हमारे पास आराम से हो जाएगा। आप बोलो कि आपने ये काम तो अच्छा किया, बड़ा अच्छा लगा देख करके, सुंदर सा एग्जांपल बनाया, वो तो मेरा काम, मैं बहुत अच्छे एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है, ये तो इसके लिए तो मैं काफी फेमस हूँ, कॉमन सेंस की बात है, बेकूफ समझ नहीं आ रहा कितना सिंपल है। अब तुम सोचो तो मैं अगर रटवाऊँ तो कौन सा एग्जाम्पल रटवा दूँ, मैं रटवाऊंगा ए आएगा बी फिर क्या कर लोगे, इसलिए बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और केमिस्ट्री अपन देखो स्टार्टिंग से ही तो कर रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे। नेक्स्ट, जो दिक्कत है कोई, क्यों परेशान हो, तो अब बताओ बुढ़े बात करें, करी लेट ना है बताओ, अपन ने क्या बोला बताओ, जैसे आपने कहा बुढ़े यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड वाला हो सकता था, हो सकता था, आपने बुढ़िया ऊपर बनाने में जैसे एसपी में देखा ए दो बॉन्ड बना रहा था बी के साथ, तो कितना आगे बताओ बेटा बात करें,
एस पी आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक गुटे बात कर डबल बॉन्ड बना इस तरफ और डबल बॉन्ड उस तरफ, ओ हो तो सकता है गुटे बात कर। तो फिर ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा कौन सा आइटम है जिसके आउटम उसमें चार इलेक्ट्रॉन हो? अगर ए चार बॉन्ड बना रहा है और बॉन्ड बनाने में केवल कौन यूज होता है? आउटम शेल के इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा एक एटम कौन है जिसके आउटम उसमें चार इलेक्ट्रॉन है? कार्बन। समझ में आ रहा है? ओ इसका मतलब ये कार्बन है, बिल्कुल ये कार्बन। इसके आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? चार। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बना सकता है। और डबल बॉन्ड गुड़े बनाने के लिए कौन आता है यहाँ पर? ऑक्सीजन। कार्बन ने तो गुड़े बात कर कितने बनाए डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड यहाँ पर, लेकिन सामने वाला तो केवल डबल बॉन्ड बना लो। ऑक्सीजन चाहिए मुझे किन चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिक्स, तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ऐसे इस तरह भी मुझे डबल बॉन्ड वाला चाहिए कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने वाला, ये आ गया। क्या बन चुका? CO2। तो इसका एग्जांपल कौन भी हो सकता है? और बी के साथ CO2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? CO2। क्योंकि CO2 में गुड़िया बात करें आप पाई तो काउंट करते ना हो, पाई तो काउंट करते हो, सिग्मा ही काउंट करते हो। तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा CO2 का? एस और पी आएगा। क्या आएगा बेटा? एस पी आएगा। समझ पा रहे? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ गुड़िया? CO2 हो सकता है। क्या हो सकता है? सी ओ टू। CO2 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp। बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री। अच्छा आप बोलो कि सर कोई और हो सकता है? बिल्कुल, कार्बन को हटा दो, नीचे का सिलिकन उठा लो SiO2, सिलिकन हटा दो बुरे बात कर रहे जर्मेनियम उठा लो GO2। तो और एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं इसके? इसके कौन कौन से एग्जाम्पल? CO2 हो गया बुरे बात कर रहे SiO2 हो गया, कार्बन के ग्रुप का पूरा उठा लो एलिमेंट, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड कुछ भी उठा लो। नहीं समझे? अच्छा आप बोलो कि कार्बन के एक अगल को उठाओ एक बगल का, अगर कार्बन के आउटम उसमें चार हैं तो क्या नाइट्रोजन ऐसा काम कर सकता है? कर सकता है बिल्कुल, लेकिन नाइट्रोजन के आउटम उसमें होते हैं पांच, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, मतलब एन प्लस बना दो। इसका मतलब जैसा CO2 होता है वैसे क्या होता है? एन प्लस ओ2। क्या होता है? एन प्लस ओ2। तो जैसा CO2 है वैसे ही तो कौन है? एन प्लस ओ2 है। अब ये रियल में अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लग गया तो वो नाइट्रोजन नहीं है, अब वो कार्बन बन चुका। क्या बन चुका? अब बगल में दीदी कौन है? बोरोन है। तो बोरोन भी ऐसा कर सकता है क्या? कर सकता है। बोरोन की तो आउटम मोशन से तीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। मतलब बी जो गुड़िया बात करें सी है वही बेटा बात करें कौन है? एन प्लस है, वही कौन है? बी नेगेटिव है। सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हो? तो CO2 है तो NO2 प्लस भी है, तो BO2 नेगेटिव भी है। अगर सी के साथ नीचे अगर क्या उठा है? सिलिकन है, SiO2 है, तो नाइट्रोजन नीचे का फॉस्फोरस पी प्लस ओ2 भी है, और बोरोन के नीचे का एल्यूमिनियम Al नेगेटिव O2 भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे थोड़े पसीने छूट रहे होंगे, है ना, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। कार्बन उठा रहा है तो नीचे का पूरे ग्रुप उठा दो, मुझे तो चार इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो चार इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो ये बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड, पांच है तो एक निकाल दो, तीन है तो एक और उसको दे दो। सीधी सी बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रहा समझ में? ये गुड़े बात करें, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो नोट।